प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में किया भव्य रोड शो। बीएचयू गेट से काशी विश्वनाथ मंदिर तक मोदी का रोड शो। मदन मोहन मालवीय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर रोड शो की शुरुआत की गई। पीएम मोदी कल वाराणसी से नामांकन दाखिल करेंगे। इंडिया टीवी पर प्रधानमंत्री मोदी का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। कहा 2019 में विपक्ष ने खुद अपनी नेगेटिव इमेज बनाई है। पीएम मोदी ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा रायबरेली में अमेठी से भी पूरी तरह हारेंगे राहुल। पीएम ने कांग्रेस पर देश को बांटने का आरोप लगाया। शाबानू केस का फैसला पलटा। कर्नाटक में मुसलमानों को आरक्षण दिया गया। पीएम मोदी बोले धर्म के आधार पर समाज को बांटने की कोशिश में कांग्रेस दलितों आदिवासियों का हक मारना चाहती है। प्रियंका गांधी ने शाह वाले बयान पर मोदी का पलटवार। गालियां सहन करता हूं इसलिए शहंशाह हूं। रायबरेली को गांधी फैमिली की प्रॉपर्टी कहे जाने पर बोले मोदी गांधी परिवार की संपत्ति नहीं है रायबरेली, इसे एक परिवार की संपत्ति कहना लोकतंत्र का अपमान है। 400 सीट के टारगेट पर बोले पीएम मोदी हमारे पास पहले से ही करीब 400 सीट, इसे पार करना कोई मुश्किल काम नहीं। पीएम मोदी बोले क्या गुजरात महाराष्ट्र उड़ीसा में नॉर्थ में गिनेंगे, तमिलनाडु केरल आंध्र में अभूतपूर्व परिणाम, कर्नाटक तेलंगाना उड़ीसा में भी शानदार रिजल्ट आएगा। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में एक पोलिंग बूथ पर बीजेपी और टीएमसी कार्यकर्ताओं में झड़प। बीजेपी विधायक लक्ष्मण चंद्र गुरु पर मतदाताओं को प्रभावित करने का आरोप। पूर्वी बर्धमान के मंतेश्वर में बीजेपी उम्मीदवार दिलीप घोष की गाड़ी जबरन रोकी गई। टीएमसी पर लगा हमले का आरोप। टीएमसी उम्मीदवार कृति आजाद और बीजेपी कैंडिडेट दिलीप घोष एक दूसरे के गले मिले। वर्धमान दुर्गापुर सीट से चुनाव मैदान में दोनों नेता। अधीर रंजन ने टीएमसी को वोटिंग में बाधा डालने का लगाया आरोप। कहा टीएमसी को बूथ पर कब्जा नहीं करने देंगे। बहरामपुर से टीएमसी उम्मीदवार यूसुफ पठान ने अपनी जीत का जताया भरोसा। कहा लोगों का अच्छा समर्थन मिल रहा है। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला और बेटे उमर अब्दुल्ला ने वोट डाला। कहा वोट के जरिए ही अपनी आवाज उठा सकते हैं। बीजेपी की विचारधारा से जनता सहमत नहीं, वोट डालने के बाद बोले असदुद्दीन ओवैसी। हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने किया मतदान। कहा विकास के लिए वोट जरूरी। हैदराबाद में 90% बूथों पर गड़बड़ी हुई। बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता ने आरोप लगाया। हैदराबाद सीट से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता के खिलाफ मामला दर्ज। महिलाओं के चेहरे से बुरका हटाने का आरोप। माधवी लता के वीडियो पर बोले सीएम रेवंत रेड्डी बीजेपी जीत के लिए मुस्लिम वोटों का कर रही है ध्रुवीकरण, पर इससे बीजेपी को कोई फायदा नहीं होगा। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने वोट किया। उज्जैन में पत्नी के साथ वोट डाला। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने परिवार के साथ मतदान किया। झारखंड की खूंटी से बीजेपी प्रत्याशी हैं। आंध्र प्रदेश के उंटोन में पोलिंग बूथ पर वाईआरएसपी नेता वीएस शिव कुमार की दम लग गई। एक वोटर को मांगा थप्पड़, बिना लाइन में जाने से रोका गया। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी ने लखीमपुर खीरी में मतदान किया। लखीमपुर खीरी से बीजेपी प्रत्याशी हैं अजय मिश्रा। गुरुद्वारा पटना साहिब में पीएम मोदी गुरुद्वारे में मत्था टेका, लंगर प्रसाद भी ग्रहण किया। पीएम मोदी के बिहार दौरे पर बोली मीसा भारती। कहा 10 साल में कुछ किया होता तो रोड शो करने की जरूरत नहीं पड़ती। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे पर अजय राय का तंज। पिछले 10 सालों में जिले का विकास नहीं हुआ, जनता को सिर्फ गुमराह किया गया। रायबरेली में राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार किया। रायबरेली मेरी दोनों माताओं सोनिया और इंदिरा गांधी की कर्मभूमि रही, इसलिए मैं रायबरेली से चुनाव लड़ रहा हूं। सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर निशाना साधा। महंगाई से महिलाएं परेशान, कांग्रेस लेकर आई महालक्ष्मी योजना। रायबरेली के बालेश्वर धाम मंदिर पहुंचे सीएम योगी, मंदिर में पूजा अर्चना कर आशीर्वाद दिया। सपा चीफ और कन्नौज से उम्मीदवार अखिलेश यादव का बयान, इंडिया अलायंस का समर्थन कर रही है जनता, जरूरी जीत मिलेगी। रायबरेली में सीएम योगी ने चुनाव प्रचार किया। कांग्रेस पर निशाना साधा, राम मंदिर भारत में नहीं तो क्या इटली में बनेगा। बांदा रायबरेली के बाद बाराबंकी में सीएम योगी ने जनसभा की। कहा कांग्रेस पिछड़ी जाति के अधिकारों पर सेंध लगाने का काम करती है। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का सपा पराजय। अखिलेश यादव हार पर चौका लगा चुके हैं, पांचवी बार हार के द्वार पर खड़े हैं। दिल्ली सीएम केजरीवाल का बड़ा दावा, बोले 4 जून को अगर इंडिया गठबंधन जीता तो 5 जून को जेल से वापस बाहर आ जाऊंगा। वाराणसी में बीजेपी कार्यकर्ता ने मां गंगा को साड़ी अर्पित की। 400 मीटर लंबी साड़ी अर्पित की गई। संजय राउत ने नासिक में सीएम शिंदे के हेलीकॉप्टर का वीडियो शेयर किया। पूछा शिंदे के साथ 15-16 बड़े बड़े बैग में क्या था। मतदाताओं को पैसे बांटने का आरोप लगाया। एमपी बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा का आरोप, कांग्रेस लोकतंत्र को कमजोर करना चाहती है। वीरभूम में बीजेपी टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हंगामा। टीएमसी वर्करों पर इलेक्शन स्टॉल तोड़ने का आरोप। मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने किया वोट। इंदौर में पोलिंग बूथ पर मतदान किया गया। शिमला में कांग्रेस उम्मीदवार विनोद सुल्तानपुरी ने नामांकन किया। बोले अभी लड़ाई शुरू हुई है, मेहनत करके जीतेंगे लोगों का दिल। पटियाला से बीजेपी प्रत्याशी परनीत कौर ने नामांकन दाखिल किया, कई नेता मौजूद रहे। बंगाल के कुशीनगर से बीजेपी प्रत्याशी अमृता रॉय का बयान, मेरा एक ही मकसद है लोगों के लिए काम करना। सुप्रीम कोर्ट से केजरीवाल को बड़ी राहत, सीएम पद से हटाने की मांग वाली याचिका खारिज। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन को रांची में पीएमएलए कोर्ट से झटका, जमानत याचिका खारिज। सपा सांसद अफजाल अंसारी की अपील पर हाईकोर्ट में अगली सुनवाई 20 मई को होगी। 4 साल की सजा के खिलाफ दायर की गई है याचिका। दिल्ली के सीएम हाउस में बड़ा हंगामा, केजरीवाल के घर पहुंची दिल्ली पुलिस। स्वाति मालीवाल ने कॉल कर पुलिस को बुलाया।
सीबीएसई बोर्ड ने 10वीं का रिजल्ट जारी किया। लगभग 94% स्टूडेंट्स पास हुए। लड़कियों का रिजल्ट भी लगभग 95% रहा। सीबीएसई 12वीं बोर्ड के भी नतीजे घोषित। 87.98% स्टूडेंट्स पास, पिछले साल की तुलना में पासिंग परसेंटेज 0.65% पर रहा।